¡Indiámonos! और तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहते हैं। फाइनली पाकिस्तान विन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 एंड गो बैक टू फाइनल, जीत गए हैं और फाइनल के पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गए न्यूजीलैंड को हराकर। जैसा कि आज का मैच देखा और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बताइएगा क्या तासुरात है पाकिस्तान की जीत पर आपके? मेरा तो दिल ऐसा हो रहा है गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है, पर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बड़ी खुशी हो गई मैच देख के और आउटस्टैंडिंग हो गया भाई। यार जिस तरीके से हमारी ओपनिंग चली है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि आज ओपनिंग में दिखा दिया तरीके से मैच। आज पाकिस्तान वन साइडेड मैच जीता एक तरीके से, और वन साइडेड मैच को जीता। हमजा आप बताएं क्या आपको खुशी हुई, क्या एज अ फैन आपके दिल में क्या जज्बात है पाकिस्तान के लिए? खुशी हुई और बाबर की परफॉर्मेंस देख लेंगे बात तो और ज्यादा खुशी हुई। आज की जो परफॉर्मेंस थी, जो इस तरह हमने बाबर और रिजवान ने कवर किया, बहुत ज्यादा। और आज का मैच देखकर क्या लगता है आपको साबिर भाई, बात काट के मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से 153 का हदफ दिया था न्यूजीलैंड ने, बाबर आजम और रिजवान ने 105 रन तो ऐसे ही बना के खत्म कर दिया। बस और टाइम देते तो कमाल हो जाता, 10 विकेट से जीते हैं और 17-18 ओवर में पूरा हो जाता। बस ये जो जोड़ी है हमारे ओपनर्स की, अल्लाह ताला इसको हमेशा सलामत रखे, हमेशा कामयाबी दे। जिस तरीके की आज परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, हमारे फाइनल में भी चल जाना है यार, हमारे दिलों को खुश कर दिया है बाबर, हमारे होने वाले बच्चे भी दुआएं देंगे आपको। उसके बाद आते हैं हमारे हिटमैन मोहम्मद आरिफ की बात की जा रही है। मोहम्मद आरिफ क्या खेलते हो, लाजवाब खेलते हो, दिल खुश कर देते हो, चारों तरफ ग्राउंड के शॉट खेलते हो, लेग पे भी खेलते हो, लॉन्ग ऑफ पे भी शॉट खेलते हो, पुल अप खेलते हो, सारे शॉट खेलते हो, बहुत ही उम्दा किस्म की आप इनिंग खेलते हो। माशी पाकिस्तान टीम फेवरेट है, मैं हर बॉलर को हर बैट्समैन को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है वो है शेडी शादाब खान, जिसे कहते हैं बहुत ही उम्दा। आज उन्होंने रन आउट किया है और बॉलिंग भी अच्छी करी है, विकेट ना ले सके कोई बात नहीं, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी करी है और 151 पे जो है न्यूजीलैंड की टीम को रोक दिया। और फिर पाकिस्तान ने जो है अपना टिकट कटवा लिया है फाइनल के लिए। अब हम दूसरी टीम का तैयार है यार, अभी मसला एक आ रहा है कि बोल रहे हैं संडे को मेलबर्न ग्राउंड में बारिश होगी, कोई बात नहीं, 10 ओवर का मैच हो जाएगा ना, मैच आ जाएंगे। आप क्यों फिकर कर रहे हैं? आईसीसी हमें बोलेगी भाई तुम जिस तरीके से आए हो ना, दोबारा कमबैक किया तुम ले जाए काम है तुम्हारी। अगर इंडिया आ गई ना तो कुछ भी हो जाए बारिश में ही खिलाएंगे फिर भी। यार इंडिया को आईसीसी थोड़ा बहुत सपोर्ट, बड़ा मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान, तो वो कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। मसला ये है कि बहुत ज्यादा लोगों की नजर होती है कल के मैच के हवाले से भी, कुछ बात की जाए तो कल का मैच भी बड़ा टफ होगा। टफ इंग्लैंड इंडिया, बहुत ना वो मैच बोलते हैं ना हाई वोल्टेज मैच, मुझे इंग्लैंड थोड़ी सी हल्की लग रही है इंडिया के मुकाबले में। टीम इंग्लैंड यार, इंग्लैंड टीम है यार, मैं इंग्लैंड के लेजेंड्स को देख ही नहीं पा रहा हूँ, ना जेसन रॉय खेल रहा है ना योन मॉर्गन उनका, कल चलेंगे आज बाबर रिजवान चले ना, अब कल वो चलेंगे। जॉनी बेलस्टो नहीं खेल ले उनके, कौन जॉनी, जॉनी बेलस्टो अच्छा अच्छा, तो बड़े बड़े मैच के खिलाड़ी होते हैं, जिस तरह बाबर और रिजवान बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, सेम उसी तरह वो लोग भी बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, आपको बड़े मैच में सपोर्ट करते हैं भाई। जो ना बाबर की जो ना बहुत, बाबर और रिजवान से आप बड़ा नाराज से आप बोली भाई लव यू आज के मैच के लिए, नहीं आज फाइनल फाइनल भी जिताओगे तो लव हो जाओगे तुम हमारे। बाबर आजम मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा खेला बाबर ने, खेला उसने, भले एक चांस मिला बाबर को लेकिन उसके बाद भी उसने अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक उसके बाद। ठीक है सारी टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी करी, पाकिस्तान जीत भी गए, लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान खेल ली थी मुझे लग ही नहीं रहा था कि बाबर रिजवान इन फॉर्म है। मतलब आप देखें, मतलब स्टार्ट जो करा है उन्होंने पावर प्ले से ही अपना इतना उम्दा इतना अच्छा रिदम यार, इतना अच्छा रिदम पकड़ा है, और पावर प्ले में लग रहा था कि आज बाबर और रिजवान सही खेलने के लिए उतरे हैं। जिस तरीके से 3 ओवर हुए ना, मैंने बोला आज होगा, कड़क बल्ले से कड़ाकेदार शॉट मारे, कोई जबरदस्त उम्दा किस्म की आवाज आ रही थी उनके शॉट के अंदर,
और पूरे पूरे परफेक्ट शॉट मारे, बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली। इसी के साथ हम अपने एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार हो रहे हैं, मोहम्मद नवाज की बात करेंगे। बॉलिंग में जैसे आपने देखा कि इंडिया के अगेंस्ट बेचारा थोड़ा डाउन हो गया, उसके अलावा जिम्बाब्वे के खिलाफ वो आया तीन बॉल पे तीन रन नहीं बना सका, तो उसको जो है कप्तान जो है हमारे ओवर भी नहीं दे रहे हैं और बैटिंग पे भी नहीं भेज रहे इतनी जल्दी। यार बैटिंग पे क्यों भेजेंगे, वो क्यों भेजेंगे भाई, वो ऑलराउंडर है, वो कोई बैट्समैन नहीं है, वो ऑलराउंडर है। वो एक तरीके से बॉलिंग के लिहाज से आया, बैटिंग के लिहाज से नहीं आया। मोहम्मद वसीम कौन है? बॉलिंग ऑलराउंडर है। नवाज बैटिंग ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर हमेशा नीचे आते हैं, छठे या सातवें नंबर पे, ओपनर नहीं आते हैं। और शेडी को देख लो यार, शेडी पांचवे छठे नंबर पे आता है, उसको क्यों नहीं भेज रहे ऊपर? वो भी तो अच्छा हिटर है ना, नवाज से लाख गुना अच्छा हिटर है वो। आप यहाँ देखे ना, जो नवाज है वो जैसल में जब क्वेटा ग्लेडर्स का खेलता है, कैसा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। अबे भाई फाइनल मैच जितवाया है, फाइनल मैच लास्ट ओवर कैसा निकलवाया था, पेशावर जलमी से फाइनल मैच था, आखिरी ओवर दे दिया था उसे। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे एशिया कप में हम ले गए थे उसको हैदर अली को, लेकिन एक भी चांस नहीं दिया, लेकिन उसको चांस दिया तो हैदर अली ने कुछ अच्छा स्कोर किया नहीं है, कोई बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ही नहीं आई। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पहला मैच खेला, उसके अंदर एक बेतुका सा शॉट लगा के वो पवेलियन चले गए। तो उसके बाद जो रियलाइज किया गया मोहम्मद हारिस को, मोहम्मद हारिस जो है वो आते ही पाकिस्तान टीम में छा गए और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे वो छक्के लगा रहे हैं जैसे वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, 10 साल से टीम में खेल रहे हो। तो मोहम्मद हारिस का तो अपनी परफॉर्मेंस जो है अपनी जगह है, लेकिन अब बात करेंगे नीचे के जो हमारे आते हैं, शान मसूद हो गए। शान मसूद की बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप दोनों से? मैं आप थोड़ा सा कमेंट शान मसूद मैं कहता हूं बहुत टाइम तक चलेगा अगर उसको चलाएंगे तो, वो लंबा खिलाड़ी नहीं चलेगा, वो आगे टाइम तक वो नहीं चलेगा। मुझे T20 का नहीं लगता वो खिलाड़ी, वो टेस्ट और वनडे का प्लेयर है। उसकी मुल्तान सुल्तान में बैटिंग देखी है, मुल्तान यहाँ पर आके क्या हुआ, अलग इवेंट है ये, अलग है। हर मैच जो है वो सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। आप ये बताओ भाई के T20 वर्ल्ड कप, T20 जो इवेंट होते हैं ये, इसमें क्या बोलते हैं टेस्ट वाले पीलियर चाहिए या वनडे वाले या T20 वाले? कहाँ तेज खेलता है, मैंने तो अभी तो कोई बैटिंग नहीं देखी इसकी। देखें आप इंशाल्लाह, मैं तो एशिया कप में क्या बोलते हैं ये इंग्लैंड की सीरीज से देख रहा हूँ। शान मसूद को देखा है, मैंने शान मसूद में एक चीज ज्यादा नोट करी कि अगर लूज बॉल मिलती है तो वो शॉर्ट खेल लेते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बॉल मिलती है या तो मिस कर जाते हैं या तो एक्सपीरियंस इतना है ना। देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ, इफ्तिखार को उन्होंने मना किया बांग्लादेश के मैच में, छक्का नहीं माना, सिंगल ले लो एक रन, इफ्तिखार ने कोशिश करी आउट हो गया ना। आज उसने हारिस को भी यही चीज मना करी, हारिस छक्का नहीं मारना, सिंगल डबल करके मैच निकाल दो, हारिस ने वही गलती करी, हारिस आउट हो गया। लेकिन सिंगल डबल तो अपनी जगह सही है, जब एक ही ओवर में आपको 20 रन 26 रन चाहिए होंगे तो यार तजुर्बा भी कोई चीज होता है, सीनियर बंदा है यार, आज से नहीं है बहुत टाइम से मैं उसको देख रहा हूं। शान मसूद जो है हमारे टेस्ट के प्लेयर है, टेस्ट मैच में काफी टाइम से खेल रहे वो, वनडे और T20 में नहीं खेल रहे, अच्छा खेलता है वो। वनडे में वो तब से आया जब उन्होंने एक साल मुल्तान सुल्तान में बहुत ही उम्दा किस्म की परफॉर्मेंस दी, फिर उन्होंने उन्हें जो है मुल्तान सुल्तान का कैप्टन बनाया गया, उसके बाद जो है अब उनको इस टीम में डाला गया है T20 में। मैंने देखा वो 50 रन तो बना लेते लेकिन वो वही 40-45 बोले, तो फिर T20 में हमें चाहिए होता है कि जैसा आज रिजवान और बाबर ने करा 35 बोलों पे 30 बोलों पे 50 रन बना रहे, ऐसी इनिंग हमें चाहिए होती है और ऐसे शॉट चाहिए होते हैं जो एक बॉलर होता है, जैसे आप हम मिसाल ले लेते हैं मिचेल स्टार्क की, वो बॉलर ऐसा है जो अगर दो छक्के भी खा ले तो अपनी लेंथ खराब नहीं करता, उसको मारने के लिए बैट्समैन जो होता है उसको थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है अपने कदम को लेकर, लेकिन वो बॉलर ऐसा है अपनी लाइन लेंथ चेंज नहीं करता, तो ऐसे बॉलर के खिलाफ आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, जब बॉलर ही इतना हार्ड बॉलर है। मकसद ये है फाइनल के क्या तासुरात हैं, किसको खेलता हुआ देखते हैं, देख रहे हैं आप फाइनल में? पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान विन, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान इंडिया और विन, देखना मैं इंडिया को चाहता हूँ पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खेलेगा। नहीं मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान ही खेलेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही खेलेगा। नहीं बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ इंडिया के साथ मुकाबला हो
और उन्हें हम फिर बताएं कि मुकाबला कहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा गया है। फाइनल देखने का मजा ही तब है जब इंडिया हमारे साथ हो। बिल्कुल, अगर इंडिया पहले से बाहर हो चुकी होती तो अलग बात होती, लेकिन अभी इंडिया के फुल फुल चांस है। अच्छा तरीका है, इंडिया की टीम बाहर हो चल रही है, ऐसी बात नहीं है। मैच जीत रही है, माना दो दो चांस। अगर इंडिया की पहली बैटिंग होगी तो फिर पाकिस्तान का चांस बनेगा, याद रखना। इंडिया की बॉलिंग कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया के जो प्लेयर है ना बहुत, पाकिस्तान को टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला करना चाहिए। पाकिस्तान को टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला चेक करना चाहिए। तो उस पर बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी कोई सी भी टीम गई नहीं है फाइनल में। एक बात बोल रहा हूँ, अगर जैसे फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का होगा मुकाबला, तो कल बात करेंगे संडे को जो वेदर होगा वो चेंज होगा यार। कल बात करेंगे इसके बारे में ना कि कौन सी टीम फाइनल में जाती है, फिर उसके हिसाब से हम कोई बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल, तो फिर बात करेंगे फाइनल के बारे में। इंग्लैंड अगर बाहर निकाल दे इंडिया को, ताकि आप बताएं कि आज पाकिस्तान जो मैच जीती तो आप कैसा पाकिस्तान को देख रहे हैं फ्यूचर के अंदर, फाइनल क्या देख रहे हैं? खेला मैं तो बोलता हूँ, फाइनल उनके नाम है इंडिया के साथ खेल। इंडिया अगर इंडिया को हरा के निकालेगी तो इससे बेहतर है कि इंग्लैंड इंडिया को निकाल दे। इंग्लैंड इंडिया को, ताकि वो हमसे हारे तो बुरा ना लगे उसको। बुरा ना लगे उनको, सही बात। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हमसे बस यार मैं यही चाहता हूँ कि जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के, पाकिस्तान आए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी पिछला T20 वर्ल्ड कप जो है 5 मैच जो है शुरू के बैक टू बैक जीत थी, और सेमीफाइनल्स में जो है बहुत बुरा आ रही थी ऑस्ट्रेलिया से, बहुत बुरा आ रही थी। जीत गई इवेंट, और फाइनल में कौन टीम हारी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम के साथ मैंने देखा, न्यूजीलैंड के साथ बड़ा वो अफसोस होता है यार। सेमीफाइनल फाइनल, 2019 का वर्ल्ड कप ले लें आप, फाइनल में इंग्लैंड से आ रही, 2021 का T20 वर्ल्ड कप ले लें ऑस्ट्रेलिया से आ रही। न्यूजीलैंड की टीम जो है आप काफी उसको हारता हुआ देख रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल के अंदर। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह कल भी हमारा शो होगा, उसमें बात करेंगे इंग्लैंड और जो है इंडिया, इंडिया का जो मैच है सेमीफाइनल का, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। अभी कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा, फिलहाल कल इसी शो में इसी मेहमानों के साथ मौजूद होंगे यहाँ पर। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।